brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बाद लोग जमकर गाड़ियां खरीद रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि महज 4 महीनों में दिल्ली में गाड़ियों की सेल 4 गुना तक बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार मई से अगस्त के बीच दिल्ली में 1,17,228 गाड़ियां बिकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा टू व्हीलर और कारें हैं। इसमें दो पहिया वाहनों की संख्या 84,343, तिपहिया की संख्या 2,369, भारी व्यवसायिक वाहन 575 और कारों की संख्या 29,941 है। खास बात तो यह है कि अगस्त 2020 में पिछले साल अगस्त से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं। इस वर्ष अगस्त में 10,629 गाड़ियां बिकी, पिछले वर्ष 10,376 गाड़ियों की बिक्री हुई, यानी 253 गाड़ियां अधिक खरीदी गई। यानी एक बात तो साफ है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह खुद की गाड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं। वहीं भले ही अर्थव्यवस्था पूरी तरह से न सुधर पा रही हो, लेकिन गाड़ियों के ये आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। हालांकि एक आंकड़ा ये भी है कि दिल्ली में ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं बिक रहे, यानी दिल्ली में खेती किसानी में कमियां हो रही है। सिर्फ नई ही नहीं, दिल्ली में पुरानी कारें भी जमकर बिक रही हैं। सेकेंड हैंड कार बाजार भी 3 महीने के बाद अब गुलजार है।